हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, चल रहे हैं खाना बनाने की तैयारी करने। तो जैसा आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देख ही लिया कि मेरा जो है बर्थडे है, तो सोच रहे हैं सबसे पहले खाना बना ले। अगर हम तैयार होके खाना बनाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए सोच रहे हैं कि जो है खाना बना ले, उसके बाद जो है तैयार हूँ। और ये देख सकते हो आप लोग, मैं बनाने वाली हूँ निमोना चावल, और मम्मी के लिए रोटी भी बनाएंगे। तो सोच रहे हैं चले बना लें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को शेयर कर दें अगर आपको पसंद आए तो, फैमिली दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। चलो पहले आप लोगों को अपने बच्चों को दिखाते हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ना, छत पे खेल रहे हैं, बहुत मस्ती के साथ हैं वो लोग। तो चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, फिर आप लोगों से हम खाना बनाने के बाद ही बात कर पाएंगे। ठीक है, चलो देख लो आप लोग मेरे बच्चों को। जाह्नवी, अब है कहाँ है वो? उधर मत जाओ ये भैया, इधर आओ, इधर 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 आ जाओ, आओ। हमारा जो खाना है बनके तैयार हो गया है, और अब जा रहे हैं हम तैयार होने के लिए। चलो हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हम क्या पहनने वाले हैं। आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, क्योंकि मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, बनारसी कॉटन साड़ी। तो चलो देख लो कि कौन सा कलर है। अगर आपको वो साड़ी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो दिखाते हैं आप सभी को। तो आप लोग देख ही रहे हो कि जो हमारे अभय हैं कितना ज़्यादा तंग कर रहे हैं, देखो बैलून के साथ खेल रहे हैं। तो जब हम इन्हें नीचे उतारते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, और जब मैं गोदी में ले रही हूँ तो खेल रहे हैं। चलो उतरो, मम्मा जो है दिखा दे अपने दोस्तों को कि हम क्या पहनने वाले हैं। तो गाइस चलो देख लीजिए, उसके बाद जो है हम तैयार हो जाएं, फिर आप लोगों से हम बात करेंगे। पहले आप मेरा कपड़ा देख लो, ठीक है, तब उसके बाद हम तैयार होने जाएंगे, क्योंकि टाइम लगता है ना साड़ी पहनने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी इनके पापा आए नहीं हैं, मैंने फ़ोन किया था तो बोले कि मैं जो है 15 मिनट में ऑफिस से निकलूँगा। तो सोच रहे हैं उनके आने से पहले हम जो है तैयार हो जाएं, और मुझे सिर्फ केक ही काटना रहेगा, क्योंकि मैंने खाना तो बना ही लिया है, आप लोगों ने देख ही लिया। तो चलो मेरे कपड़े भी देख लो आप लोग। आज मैं यही जो है साड़ी पहनने वाली हूँ। साड़ी का कलर कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने यही कलर जो है पसंद किया है पहनने के लिए, और उम्मीद हमारी यही है कि आप लोग को भी पसंद आएगी। और मैंने ये ज्वेलरी सेट लिया है, और इसके बाद मैंने चूड़ी ली है, तो यही हम पहनने वाले हैं। चलो तैयार हो जाते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है? सो गाइस देखो हम रेडी हो गए हैं, कैसे लग रहे हैं बताइएगा जरूर कमेंट में। आई होप आप लोग को हमारा ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। बाल को हम ऐसे रखें या फिर थोड़ा सा आगे कर लें? ऐसे ऐसे ठीक रहेगा कि या फिर ऐसे? ऐसे ही ठीक है ना? ये देखो
अच्छी लग रही है साड़ी हमारे ऊपर, और मेरा कंगन अच्छा है, मैंने सिंपल सा ही मेकअप किया है, ज्यादा कुछ लगाया नहीं है। आप लोग को पता ही है कि मुझे सिंपल मेकअप अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सिंपल सा मेकअप किया है। और कैसे लग रही है बताइए जरूर। अभी हमारे जो पति जी है ना आए नहीं है, शर्म बहुत आ रही है, पहली बार जा रहे हैं केक कट करने के लिए इतना सज संवर के। आई होप आप लोग को हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो मैंने अपना लुक तो दिखा दिया, ये देखो फुल दिखा दे, क्या फुल देखना चाहते हो? हाँ चलो फुल दिखा देते हैं, आप लोग फुल देख लो, मेरी साड़ी देख लो। यार कुछ बोल नहीं पाएंगे, खुशी बहुत ज्यादा है। चलो साड़ी दिखा देते हैं, फिर आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इनके पापा जो है केक लेके आ गए हैं, यही केक है। मुझे तो बहुत प्यारा लगा केक, और कलर भी बहुत प्यारा लगा, आप लोग देख सकते हो। और मैंने इसका वीडियो तो आप लोग के साथ शेयर किया था जब मैंने जो है लाइट वगैरह लगा रही थी, तो आप लोगों ने उस ब्लॉग को देखा कि नहीं? अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप जाइए उस ब्लॉग को देख लीजिए। तो इसलिए मैंने सोचा चलो दोबारा इसे हम इस ब्लॉग में भी ऐड कर देते हैं। अच्छा लग रहा था डेकोरेशन, मुझे तो बहुत प्यारा लगा, आप लोगों को भी पसंद आया, आप लोगों ने मुझे बताया कमेंट में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारी बर्थडे की तैयारी शुरू हो गई है, यानी हमारा जो बर्थडे है मनाया जा रहा है। बहुत खुशी हो रही है सच में, पहली बार हमारे पति जी मना रहे हैं। हम इतने दिन के हो गए, हमारे दोनों बच्चे भी हो गए, लेकिन आज तक किसी ने मेरा बर्थडे नहीं मनाया था जो कि आज मेरे पति जी मना रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आप लोग देख सकते हो फैमिली के ही लोग हैं, हम हैं, हमारे पति जी हैं, मम्मी जी हैं, और अभय हैं, जाह्नवी हैं। जाह्नवी देखो अपने पापा के पास ही खड़ी हैं, और इनके पापा जो है मस्ती कर रहे थे कुछ ऐसी बातें बोल रहे थे जो मुझे हंसी आ गई और मम्मी भी हंसने लगी। तो हम सब जो है बहुत सारा एंजॉय किया, भले ही जो है हमारे फैमिली के ही लोग थे, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा हम लोग जो है मस्ती किए मिलके, बहुत अच्छा लगा। आप लोग देख सकते हो खुद, तो यहाँ पे देखो जो है मेरा बर्थडे मनाया जा रहा है, केक कट हो रहा है। तो हमने इनके पापा से बोला कि मैंने केक भी कट कर दिया और आपने ताली भी नहीं बजाया, तो उन्होंने कहा कि दोनों हाथ तो मेरे फंसे थे, मम्मी के भी फंसे थे, तो ताली कैसे बजाते हैं, ताली बजाते तो अभी नीचे आ जाते, और मैं ताली बजाता तो जाह्नवी भी नीचे आ जाती। तो मैंने जो है मुँह से ही बोल दिया हैप्पी बर्थडे टू यू हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद हमने सबको केक खिलाया, अभय को, मम्मी को, अपने पति जी को, जाह्नवी को खिला रहे थे, जाह्नवी नहीं खाई क्योंकि जाह्नवी को केक थोड़ा कम पसंद है, खाती हैं ऐसा नहीं है लेकिन थोड़ा सा ही खाती हैं, ज़्यादा केक नहीं खाती हैं, और तो इसलिए जाह्नवी हमारी केक नहीं खाई। और इसके बाद देखो जो है इनके पापा मस्ती करने लगे, मेरे जो गाल में केक लगा रहे थे, तो अभी ने सोचा कि पापा क्या कर रहे हैं मम्मी के साथ, अभी देखना थोड़ी देर में इतनी ज़ोर से रोएंगे कि हम क्या बताएं। मम्मी ने कहा कि अच्छा जाने दो भैया, मत लगाओ केक। तो मैंने कहा कि केक मत लगाओ, केक मत लगाओ, भैया रो रहे हैं, वो सोच रहे हैं पता नहीं पापा क्या कर रहे हैं मम्मी के साथ। तो उनके पापा जो है फिर दोबारा लगाने लगे केक, आप लोग देख सकते हो अपने पापा के जो हाथ पकड़ के खींच रहे हैं कि पापा क्या कर रहे हो मम्मी के साथ। बच्चे हैं ना, अभय मुझे बहुत मानते हैं, मेरे जो बेटी है जाह्नवी वो भी मुझे बहुत मानती है, अपने पापा को भी मानती है, ऐसा नहीं है कि पापा को नहीं मानते, पापा को भी मानते हैं और मम्मी को भी मानते हैं। ये सोचते हैं दोनों की मम्मी पापा जो है
हमेशा खुश रहें। अगर थोड़ी सी मस्ती भी कर लो ना तो बच्चे लोग सोचते हैं कि पता नहीं पापा मम्मी क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, रोना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम लोग जो है कभी कुछ कहते ही नहीं है। तो आ जाओ देखो जलाएंगे। बच्चे हैं, बच्चे जिद करने लगते हैं। चलो बैठ, अभी छोटी है ना। रुको भाई, भी वो भी आएगा, रुक जाओ। हाँ आ जाओ, लो भाई हमारे घर। रुक जाओ चानवी, फोटो की चालो। ये देखो फोटो, नहीं इसे इसे लेना है, खाना है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ लो भाई, लो लो खा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। किसको बर्थडे? अच्छा खिलाओ खिलाओ, मम्मा को खिलाएंगे। देखो बच्चों के साथ जो खुशी है वो दूसरे के साथ का है ना। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा बर्थडे है। हाँ देखो भाई को भी खिला दो, भाई को। यार हम लोग से साथ आप लोग भी एंजॉय कर लीजिए थोड़ा बहुत। हाँ खा लो देखो ये कट कर रहे हैं। आई क्या आई, रुको खिला देते हैं। लो लो, इनके पापा मेरे गाल में केक लगा रहे थे ना, मेरे भैया रोने लगे कि मम्मा को क्या कर रहे पापा। ए मेरे बच्चे बच्चे मन के सच्चे। तो गाइस चलो अब सबको काट के दे देते हैं, इन लोगों को चले मम्मी के पास छोड़ दें क्योंकि ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। जानवी को देखो, एक हाथ से खा रहे हैं, एक जो है बस हो गया। तो गाइज हम सब जो है सोने जा रहे थे। चलो हम आप लोगों से मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ, उसका वेट करते रहना, बहुत जल्दी फिर मुलाकात करेंगे। बाय दोस्तों, गुड नाइट।